अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की सबसे प्यारी हदीस के साथ सूद हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले और इसके लिखने वाले और इसके गवाहों पर लानत फरमाई है, इसके गवाहों पर लानत फरमाई है। सोचे, सूद खाना ऐसे है जैसे हराम यानी गोश्त खाना। सूद खाना हराम, गोश्त खाना, अपने बहन भाई का गोश्त खाना, कोई चाहेगा अपने बहन भाई का गोश्त काट के खाया जाए? नहीं ना। और कोई वैसे ही उनकी उंगली पर भी चोट लगा दे तो दिल करता है उनको मार दे? तो मेरे प्यारे बहनों भाई, इस चीज से बचें। आज जो मैं आपको रिस्क का वजीफा बताने जा रही हूँ, बहुत नायाब है, करके देखिएगा, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे और आपकी रिस्क की जो तंगी है वो खत्म हो जाएगी। और यकीन माने कि अगर आप ये वजीफा करते हो, वजीफे मतलब कि जैसे ही आप वजीफा पढ़ोगे तो सर्दी से सर उठाओगे तो माल दौलत के अंबार लगना शुरू हो जाएंगे और आपकी सात नस्लों मतलब सात नस्लें भी आपके खाएंगी तो कभी खत्म रिस्क नहीं होगा। तरीका इसका ये है कि आपने सूरह कौसर, आपने सूरह कौसर 128 मरतबा आपने पढ़कर सजदे में जाकर यकीन माने दुआ मांगे और फिर कमाल देखें, किसी भी नमाज का कर लें। अगर नमाज में तो दो रकत नफल पढ़ के तौबा के तो ये दुआ करें, 128 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और फिर यकीन माने उसका कमाल देखें कि आपने सजदे से सर नहीं उठाया तो आपकी वो ख्वाहिश और आप जिसके मकसद के लिए भी कर रहे हैं, रिस्क के लिए कर रहे हैं, अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं और मुलाजमत के लिए कर रहे हैं, यकीन माने जहां तक भी कदम रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कामयाब होंगे। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।